पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। जब वो छोटी सी थी इनमें से निक्की सी थी तो इनके माँ बाबा के जाने के बाद आप ही ने उनका ख्याल रखा है। माँ से नहीं हूं मैं, उसकी माँ हूं। उसे कलेजे से लगा के पाला है मैंने, स्ट्रॉन्ग और आजाद दोनों बनाया है। मेरी दीदी और जीजू की चिरैया को पंख दिया आपने, हम जानते हैं। और सुरीली भी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि आपने उनके लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, तभी तो इतना बड़ा फैसला लेने से पहले वो अपनी माँ से पूछना चाहती है। कितनी लुका छिपी कर लो इससे, एक ना एक दिन ये घड़ी आती है। जब बेटी मां का घर छोड़ के जाती है वो खुद तो खुशियों के आसमान में उड़ जाती है, लेकिन मां मां तो कल्ली रह जाती। हेलो, मैं तो आपके पास उड़ के वापस भी आ गई थी, तब तो आप मुझे ताने मार रही थी। हैं सुरीली भले ही हमारे साथ जा रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको छोड़कर जा रही हैं। गए वो दिन मासी जहां पर लड़कियां घर छोड़कर जाती थी, और शादी के बाद तो लड़कों से ज्यादा आजकल लड़कियां होती है जो अपने माँ बाबा का ख्याल रखती हैं। हम सुरीली को कुछ छोड़ने नहीं देंगे, सिर्फ उनकी लाइफ में नए रिश्ते जोड़ेंगे। बेक मुंडिया, इसकी मां से वादा किया था मैंने कि इसे कलेजे से लगा के रखांगी, तुझ पे भरोसा कर लूं, पर तेरे परिवार का क्या? अब उनकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल हमारी तरह है। नहीं है वो तुम्हारी तरह, मिली हूं मैं उनसे। जिंदगी ने लोगों की परख करना सिखा दिया है मैंने। जो लोग खुल के हंस नहीं सकते, दाड़े मार के रो नहीं सकते, अरे जो लोग पैसे के पिंजरे में फंसे रहते हैं ना, वो बाएं फैला के किसी का स्वागत नहीं कर सकते ना, इसे नहीं अपनाएंगे वो लोग। हमने सुरीली को अपना लिया, ये काफी नहीं है आपके लिए ना। तेरे संस्कारों को भी भांप लिया मैंने, तो उनमें से नहीं है जो प्यार के लिए परिवार को छोड़ दे। कुछ भी हो जाए तू अपना टब्बर नहीं छोड़ेगा,
फिर इसका क्या होगा? मेरी सिल्ली इतनी नफरत में कैसे रह पाएगी? मैं रह लूंगी मैसे। वैसे वैसे शिव है ना मेरे साथ, उसने अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताया, मुझे इन पर भरोसा है। और इनके परिवार पर भी। प्लीज अमीरी गरीबी का फर्क प्यार जीत सकता है, लेकिन आम और खास का नहीं। अब बस हाँ कह दीजिए, बाकी सारे फर्क हम मिटा देंगे, आपसे वादा है। सुरीली हमारे लिए बहुत खास है, उस घर में किसी के लिए भी वो आम नहीं होगी। जिंदा रहे पुत्र। थैंक यू मासी जी। अरे इससे पहले ये और ज्यादा सेंटी सेंटी बातें करे, जा जल्दी से मिठाई लेकर आ। यस। थैंक यू दिया, पहले आप मुंह मिठा कीजिए। मैं तो मान गई, लेकिन लेकिन तेरी माँ को कैसे समझाएगा? कुछ बातें और आंसुओं से वो तो नहीं मानेगी। क्या करेगा? लाइफ की एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन खत्म हुई तो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। लेकिन आपके चेहरे पे लिखा हुआ है लेकिन। लेकिन क्या आपने पढ़ लिया? ऑफ कोर्स। अब जल्दी से बता दीजिए कि आप क्या सोच रहे। वेट लेट मी गेस, आप ये सोच रहे कि आधी जंग तो आपने जीत लिया है, आधी अभी भी बाकी है कि नहीं? आधा नहीं, 90% बाकी है अभी भी, क्योंकि हमारी फैमिली आपकी फैमिली की तरह इतनी आसानी से मानेंगी नहीं। बहुत मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब शायद जाके मानेंगे। शेव, आपने मेरी फैमिली को यूं पटा लिया ना, तो आपको मेरे चार्म पर कोई भी भरोसा नहीं है क्या? तुम हमारी रानी माँ को जानती नहीं हो। हाँ तो आप है ना मेरे साथ, आप मुझे क्रैश कोर्स दे देना। जैसे मेरे लिए पम्मी मासी है, वैसे आपके लिए आपकी माँ है। उनसे यू लड़कर चले आना, that's not my ship। दो दिन हो गए हमने उनसे बात नहीं की है, बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन आपको उनसे बात करनी पड़ेगी ना शिव। आप ही तो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम से दूर नहीं भागा जाता है, हर प्रॉब्लम का सलूशन उसके बगल में ही खड़ा होता है। प्रॉब्लम से जितना दूर भागेंगे उतना सलूशन भी दूर भागा जाएगा। अब जल्दी से सोचिए, तब तक मैं आपके लिए आपका फेवरेट डीकैप लेकर आती हूँ। ओके? I need that. माँ का मिस कॉल?
शुभेच्छा माँ, आप ही के बारे में बात कर रहे थे आप। अगर शुभेच्छा रखते थे हमारे लिए तो आज के दिन आप यहाँ होते। आज क्या? आज हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन है शिवेंद्र, और हमारे सबसे बड़े बेटे को पता ही नहीं है कि आज क्या हुआ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप ठीक हैं? फर्क पड़ता है आपको? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।